2014 में रसिया को बाहर कर दिया, अभी सब रसिया के पीछे पड़े हैं सब बर्बाद करने के लिए। लेकिन हम लोग को रसिया को क्या करना है, बचा के रखना, क्योंकि रसिया टूटेगा तो भारत के लिए बहुत खतरनाक हो जाएगा। अब हमको ही नहीं समझ में आ रहा है काहे पुतिन को इतना टॉर्चर कर रहा है। पैसा से शक्तिशाली 7 देशों का समूह क्या कहलाता है, G7। पहले इसमें रसिया भी था, G8। 2014 में रसिया को बाहर कर दिया सर, क्योंकि 2014 में रसिया ने यूक्रेन पे हमला किया था पहली बार, और उसका एक पाव हिस्सा काट लिया था तनसर, एक पाव काट लिया था, उसका नाम था क्रीमिया। यहाँ तनसर एरिया तक काट लिया था क्रीमिया, और क्रीमिया को क्या कर दिया था, कब्जा कर लिया। तो ये सब मिलके किसको बाहर कर दिया सर, रसिया को बाहर कर दिया सर। अभी सब रसिया के पीछे पड़े हैं सब बर्बाद करने के लिए। लेकिन हम लोग को रसिया को क्या करना है, बचा के रखना। रसिया अगर है तो अमेरिका बेलगाम नहीं घूम सकता, और रसिया को बचा के रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि रसिया टूटेगा तो भारत के लिए बहुत खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि फिर वो चीन के गोद में जाके बैठ जाएगा। एक ही वही रसिया को बचाने वाले दो ही लोग, भारत चाइना। चाइना खुलेआम बचा लेता है, हम लोग थोड़ा धाप धाप के काम करते हैं, लेकिन अगर रसिया टूटा तो हमारे लिए ठीक नहीं है। आप दोनों हिसाब से सोचा कीजिए, जब भी इंटरनेशनल रिलेशन में आप सोचेंगे ना, तो हमेशा ये सोचिएगा कि रसिया, अब सोचेंगे रसिया गरीब हो जाएगा तो क्या दिक्कत है, हमारा का घटल है। अरे तुम्हारा का घटल है, चल जाएगा किसके गोदी में बैठ जाएगा, चाइना के। और चाइना के बैठ जाएगा, कहेगा कि नहीं उसको हथियार ही मत दीजिए, वो मत दीजिए, हमारे 70% हथियार किस पे डिपेंडेंट है, रसिया पे डिपेंडेंट है। हमारे यहाँ के एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग बहुत पीछे है, बढ़िया हेलीकॉप्टर, बढ़िया ड्रोन ना बना पाते हम लोग, बढ़िया ड्रोन नहीं बना पाते हैं लोग। वो दुनिया टर्की का ड्रोन देखिए, पूरा यूक्रेन युद्ध को ड्रोन ने ही क्या कर दिया, पलट के रख दिया। हम लोग ब्याह में दुल्हा का शूटिंग करने वाला ड्रोन आता है चाइना से, युद्ध करने वाला तो बहुत बड़ा चीज हो जाता है, उसमें क्या है दुल्हावा के शूटिंग वाला, तो ऊपर नीचे होते रहता है, हाँ माला पहुंचाता है। अब लड़का लड़की नहीं पहनाता है सर, ड्रोन पहना रहा है, कहीं ऐसा ना हो दुल्हे के जगह ड्रोन चला है। चलो दुल्हन पहुंचा दे आपको सीधे होम डिलीवरी। अरे बाप रे, टेक्नोलॉजी बड़ी खतरनाक है जी। पहले हम लोग के समय दूल्हा दुल्हन पहनाता था सब। अच्छा ड्रोन वाला लेके बस जाता है, पारंपरिक माला पहुंचाता है। चलो ठीक है, तब आपको लड़की सबको पता नहीं रहेगा ड्रोन होगा तो आधा जगह माई कौन सी आई तो, अरे बाप रे बाप, यो दिक्कत है, मुनो चुहा। आगे बढ़ जाते हैं, तुम लोग को कैसे पता है कि माला पहुंचाता है। आगे बढ़ जाते हैं, आजकल ब्याह शादी हाईटेक हो गया, बताओ कुछ दिन में खाना वाना भी पहुंचाएगा सब, पूरी घटल हो कहू के। आगे चलते हैं, G7 तो समझ आ गया ना, जी देश दुनिया के अमीर देशों का क्या है संगठन। इससे भी थोड़े, अब इससे थोड़े और गरीब देश में जाते हैं, वो G20 है। G7 अमीर है, सुपर अमीर है, G20 थोड़ा सा नीचे लेवल के, इसमें नीचे लेवल 1 ट्रिलियन के आसपास की GDP रहेगी तो G20 में चले जाएंगे। 1 ट्रिलियन होना चाहिए, मोदी जी का सपना कितना है, 5 ट्रिलियन। 5 ट्रिलियन पांच तक तो हम लोग 25 तक नहीं खींच पाएंगे, कि 4.25 तक छू देंगे हम लोग। अरे टारगेट रखना तो भी बड़ा, अब मान के चलिए 4 का टारगेट रखते हैं तो 3 में रुक जाते हैं, नहीं समझे, तो अपना अपना है। 1 ट्रिलियन की GDP रहेगी तो किस में चल जाएंगे, G20। अमेरिका ने रूस को किससे बाहर कर दिया, G7। अब उसकी अर्थव्यवस्था पे इतना चौपट करना चाह रहा है, इतना चौपट करना चाहता है कि उसकी अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन से भी नीचे चली जाए, और जैसे नीचे चली जाएगी तो किससे बाहर करा देगा, G20। क्योंकि G20 में अमेरिका तो, G7 तो अभी करेंगे सब, क्योंकि भैया जिसके पास 100 रुपये, जिसके पास 1 लाख है उसके पास तो 100 रुपया ही है ना जी, तो है इसे सुपर अमीर, तो अमीर में अभी करेगा सब। तो अमेरिका चाहता है कि इसको किससे बाहर कर दे, G20 से बाहर कर दे। अगर उसकी अर्थव्यवस्था गिरी तो किससे बाहर चल जाएगा, G20 से। उसके बाद जब दिमाग खोलेगा पुतिन का तो मार देगा परमाणु जा धाए से। अब हमको ही नहीं समझ में आ रहा है काहे पुतिन को इतना टॉर्चर कर रहा है, ये यूक्रेन को समझना चाहिए। अमेरिका कह रहा है ना कि मारेगा तो कहाँ मारेगा, यूक्रेन पे मारेगा तो कहाँ मारेगा यूक्रेन, अमेरिका का कहा जा रहा है, इस सब से लड़ा उड़ा के रद्द कर देगा। किसी को दिक्कत है, बोलिए, सुपर अमीर सबका, 1 ट्रिलियन है उससे ज्यादा का, G20 से निकल जाएगा तो क्या होगा।
बहुत दिक्कत होगा यहाँ पे, फिर G20 के मीटिंग्स में नहीं आ पाएगा। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम कुछ नियम कानून बनाते हैं ना तो वो पूरे G20 को फॉलो करना होता है। सपोज कि तब G20 में अमेरिका दबदबा हो जाएगा और वो नियम लगा देगा कि कोई भी G20 का सदस्य रूस से पेट्रोल नहीं खरीदेगा, और रूस उसमें रहेगा नहीं तो विरोध करने वाला है नहीं, और दुनिया के 20 सबसे अमीर देश तेल नहीं खरीदेंगे तो श्रीलंका के खरीदे बड़े डेवरी में तेल डाले भर कर सकता, रूस का खर्चा चल जाएगा, नहीं ना चलेगा वहां पे ओकरा पास। तो सदस्य रहना जरूरी है। आप ऐसे समझिए, किसी गांव के पंचायत से आपको बाहर निकाल दिया जाए लेकिन आपको रहना उसी पंचायत में है तो दिक्कत होगा कि नहीं, क्योंकि पंचायत का फैसला आपके भी ऊपर आएगा, तो आप उसके सदस्य हैं लेकिन पंचायत में भाग नहीं लेंगे, तो बेटर है ना कि भैया हमारे में फैसला कि हम भी पंचायती में बैठेंगे, हम भी हल्ला करेंगे, अकेले को मुंह में बोल देंगे ए तुम बताओ तो तुम भी हमारे खिलाफ चल गया, अखिया में आग डाल के बोलिएगा चार बार तुम भी खिलाफ चल ना, हम कहां खिलाफ में, तुरंत पलट जाएगा। पुतिन खड़ा होकर अगर कह दिया अफ्रीका तुम भी खिलाफ में का ना ना, ना बाइडेन सुझ जाओ, तो वहां रहना बहुत जरूरी है। अमेरिका के खिलाफ कोई नहीं जा सकता है, क्या करिएगा जाके अमेरिका के खिलाफ। दुनिया में व्यापार डॉलर में होता है, किसमें होता है डॉलर, वो डॉलर ही देना बंद कर देगा, कुल पैसा रद्द हो जाएगा आपका। आप भारत एक काम कीजिए, हम आपको 1 करोड़ नेपाली रुपया भारत में दे देंगे, चलबे ना करेगा, और नेपाल मना कर देगी आदमी का लेना नहीं, तो गरीबी गरीब से फकीर हो जाएंगे, समझ में गया। अब आप नेपाली रुपया लाइए 1 बोरा, अब भारत में घूमिए चल जाता है, नेपाली रुपया चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भारत सरकार रोक लगा दे कि हम नेपाली रुपया एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो गए काम से। यही सबसे बड़ा पावर है उसका अमेरिका का, डॉलर। पेट्रोल खरीदना है डॉलर, क्योंकि डॉलर पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर लेती है, पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर, हम लोग का पैसा पूरी दुनिया एक्सेप्ट नहीं कर लेती, ईरान एक्सेप्ट कर लेता है, रशिया कुछ हद तक एक्सेप्ट कर लेता है, श्रीलंका कर लेता है, नेपाल कर लेता है, मतलब अगल बगल वाले कर लेते हैं। अब अपना रुपया ले जाके फ्रांस को दीजिएगा, नहीं लेगा, वो किस में लेगा, डॉलर में। तो अमेरिका से टकराने का मतलब अपनी अर्थव्यवस्था को बर्बाद करना। इसके लिए जरूरी है कि आप डॉलर को रिप्लेस कीजिए पहले, अमेरिका को रिप्लेस करने से पहले किसे रिप्लेस है?